हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के ऊपर, दो कंपनियों के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से एक कंपनी के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है, वहीं पे दूसरी जो कंपनी है उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को बुरी खबर देखने को मिल रही है। सो ऐसे में कुछ सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं कि हम लोगों को जो जिस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे बुरी खबर है उसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जरूर उसके ऊपर यहाँ पे बातें करेंगे। एंड ये जो अपडेट यहाँ पे हम और आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है निफ्टी रीबैलेंसिंग से रिलेटेड। ठीक है, सो यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी रीबैलेंसिंग से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को अपडेट आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, जिसमें से एक कंपनी को यहाँ पे इस बार निफ्टी 50 का पार्ट यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, तो उस कंपनी के लिए यहाँ पे अच्छी खबर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक एक करके यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अभी अपने अपडेट के ऊपर। सो दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो इस बार निफ्टी रीबैलेंसिंग से रिलेटेड हम लोगों को जो उम्मीद हम लोग लगाए हुए थे कि इन दो कंपनियों से रिलेटेड हम लोगों को किसी एक की एंट्री देखने को मिल सकती है, अपोलो हॉस्पिटल या फिर इन्फो एज, तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने काफ़ी पहले ही ये अंदाज़ा यहाँ पर लगा के रखा था। एंड ये जो अंदाज़ा था, ये जो उम्मीद थी, उसमें अगर देखा जाए तो अपोलो हॉस्पिटल्स का नाम हम लोगों को सबसे आगे आते हुए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। एंड उसी की असर यहां पे हम लोगों को यह देखने को मिली है कि यहां पे अपोलो हॉस्पिटल्स की एंट्री हम लोगों को यहां पे निफ्टी 50 में होते हुए हम लोगों को देखने को यहां पे मिल जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड उसी की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस कंपनी में हम लोगों को करीब 6% की तेजी यहां पे देखने को मिल रही है। ठीक है, मार्केट अच्छा था वो भी एक रीजन है, लेकिन यहां पे जो मेजर रीजन है वो निफ्टी 50 में इस बार अपोलो हॉस्पिटल्स को यहां पे मिल गई है। ये वजह से हम लोगों को इस कंपनी में एक रैली देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन वहीं पे अगर हम लोग बातें करें तो मेरे भाई कि यहाँ पे मार्च से देखा जाए तो ये निफ्टी 50 का पार्ट्स यहाँ पे बन जाएगी। मार्च में जब यहाँ पे चीज़ें अपडेट होंगी तो आप लोगों को ये कंपनी निफ्टी 50 के लिस्ट में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि निफ्टी 50 में एंटर हो गई तो उससे फ़ायदा क्या? ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मान लीजिए एंटर हो गए तो इससे फ़ायदा क्या। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है इंडिया की, जिसमें 50 कंपनियां हम लोगों को यहां पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहां पे बहुत सारे लोग यहां पे रहते हैं जो नए होंगे तो उनको नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पे 50 कंपनियाँ होती हैं निफ्टी 50 में, अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन 50 कंपनियों में से किसी एक कंपनी को यहाँ पे कुछ भी हो गया तो उसको जवाब यहाँ पे गवर्नमेंट्स को यहाँ पे देनी पड़ती है कि ऐसे क्या बात हुई है, मतलब कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी 50 में एंटर होना बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव साइन यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। एंड वहीं पे किसी भी इंडेक्स का पार्ट बनने से एक और फायदा यहाँ पे ये हो जाता है कि उस कंपनी में देखा जाए तो धीरे धीरे जो बड़े प्लेयर होते हैं दोस्तों, जो बिग प्लेयर होते हैं, उनकी अगर हम लोग बातें करें तो वो लोग इस कंपनी को अपने लिस्ट में यहाँ पे रख लेते हैं। एंड इस कंपनी में लगातार हम लोगों को तेजियाँ देखने को मिल जाती है। जब भी कोई कंपनी अगर हम लोग बातें करें निफ्टी 50 में यहाँ पे एंटर होती है तो हमने अक्सर देखा है कि उस कंपनी में हम लोगों को आने वाले कम से कम 9 महीने तक की बातें करें तो उसमें हम लोगों को एक ज़बरदस्त रैली कुछ अलग तरीके की ही यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि वो जो रैली है वो लगातार हम लोगों को सीधा ऊपर जाते हुए देखने को मिले, कभी कभी ऊपर नीचे जाते हुए भी देखने को मिल सकती है। मान लीजिए ये 6 महीने का चार्ट है तो कुछ अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर अगर टाइम देते हैं तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो कंपनी है वो ऊपर नीचे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जाते हुए हम लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन जो 9 महीने का चार्ट देखेंगे तो यहाँ से अगर आप इस एक लाइन खींचेंगे तो ये ऊपर की ओर ही जाते हुए देखने को मिल सकती है। सो निफ्टी 50 के इंडेक्स में इसके एंटर का यहाँ पे ये फ़ायदा हो सकता है कि 9 महीने की अगर हम लोग बातें करें, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे चाहे तो इसको वॉचलिस्ट में रख कर चेक भी कर सकते हैं कि एक ज़बरदस्त रैली आप लोगों को इसमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है।
सो दोस्तों जरूर से आप लोग इस कंपनी को ऊपर यहाँ पे नज़र बना करके रखिएगा। अभी चलते हैं दूसरे कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी के लिए हम कह सकते हैं कि ये निफ्टी 50 का यहाँ पे पार्ट नहीं बन चुकी है, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बुरी खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो ऐसे में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि क्या हम लोगों को इस कंपनी को यहाँ पे बेच देना चाहिए। एंड आप लोगों में से बहुत सारे ये भी बोलेंगे कि बैड खबर थी तो इसमें गिरावट होनी चाहिए। तो दोस्तों मार्केट आपने देखा अंधाधुंध यहाँ पे भाग रहे थे, तो इस वजह से इसमें हम लोगों को तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा कि जब किसी कंपनी का नाम किसी चीज से जोड़ा जाता है एंड वो उस चीज का पार्ट यहाँ पे नहीं बन पाती है, तो उसमें एक निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसका असर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पे तैयार जरूर से यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोगों को इसमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इन्फो एज की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो ये एक बहुत ही शानदार सुपर डुपर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड हमने अक्सर देखा है कि इन्फो एज का नाम जब भी निफ्टी रीबैलेंसिंग की बात आती है उसमें इस कंपनी का नाम एंटर, मतलब उसमें निफ्टी 50 का यह पार्ट बन सकती है, उसमें इसका नाम हम लोगों को हमेशा देखने को मिलता है। मतलब हम यहां पे यह भी बोल सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर यहां पे हम लोग बातें करें, फ्यूचर की अगर यहां पे हम लोग बातें करें, तो यह कभी ना कभी हम लोगों को निफ्टी 50 का पार्ट बनते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो यहां पे अगर ये निफ्टी 50 का पार्ट यहाँ पे नहीं बनती है तो भी इस कोई बात नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के जो रिटर्न है वो हम लोगों को अच्छे देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे पिछले एक साल में आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को ज़्यादा रैली तो यहाँ पे आई थी, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें हम लोगों को इस पोजिशन से यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड वहीं पे मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि कितना स्मूथली ये कंपनी हम लोगों को शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, सो निफ्टी 50 का में एंटर नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं दोस्तों, आने वाले समय में नेक्स्ट निफ्टी रीबैलेंसिंग में हो सके तो ये निफ्टी 50 का यहाँ पे पार्ट बन जाए। ठीक है, तो आराम से इस कंपनी को आप चाहें तो होल्ड करके चल सकते हैं, कंपनी में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यह निफ्टी 50 का पार्ट बने या ना बने वो अलग की चीज़ है, लेकिन कंपनी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, आप आराम से लॉन्ग टर्म में इसको यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों दोनों ही कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी, देन यहाँ पे इसमें आपको क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सो मिलते हैं, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे बताना यहाँ पे बाकी रह गया, उसको भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखा जाए तो निफ्टी 50 में इसकी यहाँ पे एंट्री देखने को मिल रही है, तो एक कंपनी यहाँ पे बाहर भी हुई है, उसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई, IOC। ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी, ये हम लोगों को यहाँ पे निफ्टी 50 से बाहर आते हुए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे चाहे तो इसे हेडलाइंस को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो अभी यहाँ पे इस कंपनी से इस न्यूज़ से रिलेटेड सभी अपडेट मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।